हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे गोल गोल रोटी मेरे किचन से। ये देखिए, मैंने आटा पहले से ही गूंद के रखा हुआ है और सॉफ्ट है, बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, रनी भी नहीं है। मैं इसमें से छोटा सा पीस ले लूँगी और उसको बॉल के शेप में दोनों हाथों के बीच में रोल कर लूँगी। देखिए इस तरह से बिल्कुल बॉल हमारी बन गई। फिर मैं इसे हाथों से थोड़ा फ्लैट कर लूँगी। और ये मेरे पास सूखा हुआ आटा है, नॉर्मल हमारा सूखा आटा है गेहूं का। चकले पे रखकर बेलन या रोलिंग पिन की सहायता से मैं इसको बेलूँगी, गोल फ्लैट करूँगी, धीरे धीरे फ्लैट करूँगी। और ध्यान रखूँगी कि मैं साइड पे जोर करूँ, बीच में से साइड पे लाऊँ और फिर साइड से बीच में लाऊं। इस तरह से करती हुई मेरी ये रोटी तैयार हो जाएगी। और इस रोटी को मैं तवे पर, जो मैंने पहले से ही चढ़ा रखा है, उस पर मैं डाल दूंगी। थोड़ी गड़बड़ हो गई, इस तरह से मैंने इसे तवे पे डाल दिया। इसको मैं एक दो मिनट नहीं, मीडियम आंच पे 10 से 25 सेकंड तक मैं इसको इस पर रहने दूंगी कि जब तक वो एक साइड से थोड़े से पक ना जाए। आपने देखा होगा मैंने रोटी बेलते समय नीचे कपड़ा रखा था। वो मेरी ट्रिक है कि जो भी आटा गिरे वो उस कपड़े पे गिरे, पूरा किचन गंदा ना हो। ये देखिए एक साइड से अब ये थोड़ी पक गई है और मैंने इसे पलट दिया है चिमटे की सहायता से। और अब मैं कोई भी साफ कपड़ा या रोटी का झाड़न लेकर मैं इसको हल्के हाथ से प्रेस करूंगी और साथ ही साथ घुमाती रहूंगी जिससे ये फ्री रहे। ये देखिए आप, रोटी फूलना शुरू हुई है। अब मैं इसे पलट दूंगी, एक साइड से बिल्कुल पक गई है और रोटी को किनारे में से दबाना चाहिए। ये देखिए कैसी फूली हुई रोटी आई है। कहते हैं जिसकी फूली रोटी आती है उसे बहुत प्यार करते हैं सब। मेरे लिए तो बात सच है। ये इस तरह से हमारी रोटी तैयार है। अब इसे उठा के मैं कैसरोल में अपनी बाकी रोटियों के साथ रख दूंगी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर।